हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 हिंदी का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पद्यांश कैसे हल किया जाता है, पद्यांश हल करने का सही तरीका क्या होता है, आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा 2022 देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। अगर आप 24 मार्च को धुआं धुआं करना चाहते हो, अब की बार 90% पार करना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक आपको देखना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। अभी और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरे यहाँ पे A to Z यहाँ पे यूपी बोर्ड के कंटेंट टाइम टाइम पे और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपलोड किया जाता है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है और क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी होती है, क्या क्या पूछता है, ठीक ना, समझेंगे। उसके बाद हम पद्यांश को हल करेंगे। सबसे पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। ये जो पद्यांश होता है आपके पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है, और इस पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, 2 5 का 10 नंबर का पूरा एक आपका पद्यांश होता है। सबसे पहले यहाँ पे इस पद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, फिर रेखांकित अंश का व्याख्या करना होता है, उसके बाद इस पद्यांश से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 नंबर का। पूरा का पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, छोड़ के मत जाना, ठीक ना। चलिए पहले हम पद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम पद्यांश के प्रश्नों को हल करेंगे। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, ये आपका रेखांकित अंश है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिराघन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रुखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विदितों में दीप खेला। ये आपका पद्यांश है, और इस पद्यांश का सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला जा रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश, ये गद्यांश नहीं है, ये आपका पद्यांश है, ठीक ना। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक, क्या करना है, संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। कवित्री का को साधना पथ पर आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता, कवित्री को साधना रूपी दीपक पर किनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है कि प्राण तथा अश्रु शब्दों के वचन बताइए, तो आपके पांचों के पांचों प्रश्न हो गए। चलिए A to Z प्रश्नों को हल करेंगे, बहुत ही नियम से हल करेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से देखने से पता लग जाएगा आपको कि किस तरीके से पद्यांश हल किया जाता है, ठीक ना। चलिए आपको करना क्या है, बोर्ड के पेपर में ब्लू और ब्लैक पेन यूज करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे संदर्भ, ठीक। तो आपको यहाँ पे संदर्भ यहाँ पे हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, रेड पेन यूज नहीं करना है। संदर्भ, संदर्भ में क्या लिखना होता है, सबसे पहले इसका क्या करना है, शीर्षक का नाम लिखना है। क्या लिखेंगे, शीर्षक का नाम, शीर्षक का नाम, ठीक। अब देखो शीर्षक का क्या नाम है, इसको हम समझते हैं, ठीक ना। शीर्षक का नाम ये है आपका गीत 2। शीर्षक का क्या नाम है, तो हम इसको हम अब बदल देंगे, पेन बदल देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे गीत 2, आराम से लिखेंगे, ठीक, गीत 2, ये आपका शीर्षक का नाम है। शीर्षक का नाम हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कवित्री का नाम, कवित्री का नाम। अब कवित्री का नाम क्या है, महादेवी वर्मा, क्या नाम है, महादेवी वर्मा। इतनी चीजें, तो ये आपका संदर्भ हो गया, 2 नंबर आप पा गए, आसानी से पा गए बिना कुछ किए, ठीक ना। अब यहाँ पे हम करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश क्या है आपका, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, ठीक ना। चलिए इसका हम क्या करेंगे, रेखांकित अंश का व्याख्या करेंगे, ठीक ना। चलिए करते हैं, यहाँ पे समझिए, रेखांकित अंश का व्याख्या हम इस तरीके से करेंगे, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला।
तो महादेवी वर्मा जी यानी कि महादेवी वर्मा जी कह रही है कि लक्ष्य पथ पर यदि कोई साथ भी न चले, अकेला ही चलना पड़े, तब भी वे निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी और अपरिचित मार्ग के समस्त संकट को संघर्ष झेलकर अज्ञात प्रियतम के पास पहुंच जाएंगी, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास है। ठीक ना, इस तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कवित्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता। तो देखो अगला क्वेश्चन यानी इसका आंसर इस तरीके से देंगे कि कवित्री जी को मार्ग में आने वाली बाधाएं साधना पथ पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जो उनके रास्ते में बाधाएं आ रही है महादेवी वर्मा को रोक नहीं सकती। ठीक ना, अगला क्वेश्चन समझते हैं। कवित्री के साधना रूपी दीपक पर किनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कवित्री के साधना रूपी दीपक पर घनघोर वर्षा और बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साधना रूपी दीपक पर घनघोर वर्षा और बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्राण तथा असुर शब्दों के वचन बताइए। प्राण आपका कौन सा वचन है और असुर आपका कौन सा वचन है, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक ना, तो देखो प्राण और असुरु दोनों ही हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। किस वचन में? बहुवचन में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राण तथा असुरु सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे पद्यांश को हल करना है। पद्यांश करने का बेस्ट तरीका यही होता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा यहाँ पे समझ लिए हैं, देख लिए हैं, तो आपको आप कोई भी अन्य वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक ना, इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पे पूरा पद्यांश करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।